बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, किसी तरह का जीवन में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। सडन चेंज के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के भी अच्छे योग, उत्तम योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहना यह है कि क्रोध करके दिन को खराब मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया कार्य फिलहाल करने से बचें, कुछ समय तक सोच लें, विचार कर लें, तब करें। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखें। बड़ों की सलाह लेकर काम करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल होंगी, दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। यात्रा लाभकारी होगी, आपके काम की, आपके मेहनत की प्रशंसा होगी और पैसे रुपए का मामला आपका मजबूत होगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा उत्तम होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, धन संबंधी जो मुश्किल थी, धन संबंधी जो समस्या थी, वो समस्या आपकी हल होगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और इस समय आपके करियर में परिवर्तन की स्थिति भी बनी हुई है, आप प्रयास कर सकते हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, कोई मनोकामना इस समय आपकी पूरी होती दिख रही है, खास तौर से अगर विवाह की है। धार्मिक कार्य में, पूजा उपासना में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बनी हुई है। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को आप चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपके थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, समस्या हो सकती है, सोच समझ करके ही इस समय निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से ब्लड प्रेशर की समस्या और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, सफलता थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। तुला राशि, धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे की प्राप्ति होगी, रिश्तों की समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी, साथ ही साथ आपके संतान की उन्नति होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, और भी ज्यादा मंगलमय होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है, जीवन साथी को लाभ की संभावना बन रही है, धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। सूर्य भगवान को अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर की बाधाएं दूर होंगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा आपको और तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप किसी गरीब आदमी को दान कर दें तो आपके दिन की बाधाएं समाप्त होंगी, दिन आपका और ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी मध्यम भाग्य से ज्यादा बेहतर भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है और किसी भी तरह की चिंता मत करिए, किसी भी तरह का वहम मत पालिए, जो चीज नहीं है उस चीज को लेके तनाव मत पालिएगा। पारिवारिक मामलों में, फैमिली लाइफ में शांति बनाए रखिएगा, वहां पर विवादों से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन का तनाव, दिन की चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, बीच में गलतियां मत करिए, किसी मित्र का सहयोग इस समय आपके लिए लाभकारी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको इस समय सफलता मिलेगी। एक लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित करिए, आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी ज्यादा दौड़ भाग आपकी रहने वाली है, मुकदमे के मामले में आपको सफलताएं मिलेंगी, कर्ज की समस्या से आपको इस समय छुटकारा मिल सकता है अगर आप कोशिश करें तो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।